हाय एवरीवन वेलकम बैक मैं हूं एडवोकेट शबनम तो आज हम बात करेंगे कैसे हम इंडिया को एक सुरक्षित देश एक सेफ कंट्री बना सकते हैं महिलाओं के लिए बच्चों के लिए क्योंकि हमारा देश बहुत ही ख़तरनाक बन रहा है महिलाओं के लिए आप सबको पता ही होगा अभी कुछ दिन पहले और ट्वेंटी सेवन्थ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को एकदम दिल दहला देने वाली एक खबर आई रबिया सैफ़ी नाम की ट्वेंटी वन ईयर्स की लड़की जो दिल्ली के सिविल डिफेंस में काम करती थी उसके साथ बहुत गंदा दुष्कर्म किए फिर उसका बेरहमी से हत्या करके झाड़ी में फेंक दिए मुझे बोलते वक्त ही बहुत तकलीफ हो रहा है ऐसा घटना राबिया सैफी के केस से पहले और भी हमारे देश के बेटियों के साथ हुआ है जैसे हथराज केस कठुआ केस ऐसा और भी बहुत सारे केस ऐसे जो टू थाउजेंड ट्वेल्व के निर्भया के केस के बाद हुआ है इसका मतलब ये शर्मनाक डिस्गास्टिंग क्राइम बढ़ता ही जा रहा है कितने सारे कानून बने हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए लेकिन दुख की बात यह है कि आज भी महिलाएं इंडिया में सुरक्षित नहीं है 2012 में जो हालात है 2021 में भी वही हालात है 2018 के थॉमस रोटर्स फाउंडेशन के रिसर्च के अनुसार इंडिया का रैंक नंबर वन है मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वाम इन द वर्ल्ड में अभी 2021 चल रहा है मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया दुनिया का सबसे ख़तरनाक देश है महिलाओं के लिए क्योंकि हमारे देश की हालत बहुत ख़राब है वुमन सेफ्टी को लेकर छोटी बच्चियाँ भी सुरक्षित नहीं है इंडिया में बोलते वक्त मेरा एकदम दिल दहल रहा है उड़ीसा में जो रेप केस हुआ वो एक तीन साल के बच्ची के साथ हुआ बेंगलोर के एक स्कूल में छः साल की बच्ची के साथ हुआ कैसे इतना बेरहम हो सकते हैं इंसान इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं है इन लोग हमारे सोसाइटी में कुछ तो गलत हो रहा है इसीलिए ये क्राइम स्टॉप ही नहीं हो रहा है अब बात यह है कि हम कैसे ये क्राइम को स्टॉप कर सकते हैं कैसे इंडिया को एक सुरक्षित देश बना सकते हैं। हमको हमारे एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में परिवर्तन लाना पड़ेगा एजुकेशन का मतलब सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट ही नहीं इंसानियत सिखाना भी पार्ट ऑफ एजुकेशन है लड़कियों का इज्जत करना अच्छा व्यवहार करना ह्यूमिलिटी विनम्रता ये सब भी सिखाना वैसा ही इम्पोर्टेंट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ये सब के बारे में सिखाना हमको बच्चों के मॉरल्स और इथिक्स में ज़्यादा फोकस करना चाहिए और बड़े लोगों को भी अपनी सोच बदलना चाहिए अगर किसी महिला के साथ किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो रहा है फिर ये मत सोचिए कौन सी धर्म की है कर्मा में विश्वास रखिए वॉट एवर यू डू विलकम बैक टू यू इधर इन दिस लाइफ और दिन नेक्स्ट जैसे काम करोगे उसका फल वैसा ही मिलेगा जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगा सती के टाइम से महिलाएं संघर्ष करके आ रही है और आज भी कर रही है और ये सब की जिम्मेदार सोसाइटी है कुछ मूवीज़ और आइटम सॉन्ग से भी ख़राब असर पड़ता है गानों का लिरिक्स कुछ ऐसा लिखे जिससे यूथ को इंस्पिरेशन मिले कुछ अच्छा काम करने के लिए ऐसे गाने मीनिंगस है ऐसे लिरिक्स वाले गाने बंद करना चाहिए महिलाएं सिर्फ एक शरीर नहीं है उससे बढ़कर है और हमारे सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बोलते हैं वैसा ही ऐसा कदम उठाना चाहिए बेटियों को बचाने के लिए बेटियों के सुरक्षा के लिए तभी इंडिया बन सकता है एक सुरक्षित देश